मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे शाहपुर पहुंचकर स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद की 9 फीट ऊंची पंच धातु की प्रतिमा का अनावरण किया और 85 करोड़ के 11 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं सिंगल क्लिक के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ भी किया, तो प्रदेश में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए नवी पास होने पर लैपटॉप भी बांटे गए। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण करने के पश्चात मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल, नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, विधायक शेरा और नेपानगर विधायक सुमित्रा सहित भाजपा के जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद रहे। वहीं मंच से उद्बोधन में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान को याद किया और कहा कि उनकी कमी को तो हम कभी पूरा नहीं कर सकते, किंतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मिलकर उनके अधूरे कार्यों को पूर्ण जरूर करेंगे। उनकी आत्मा को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने उद्बोधन में बोले कि नंद कुमार सिंह चौहान मुस्कुराते हुए एक बार फिर आएंगे, फिर किसी कार्यकर्ता या जनता का कार्य मुझे बताएंगे। हमने बहुत लंबे समय तक साथ काम किया है, आज भी मुझे लगता है कि मेरे साथ हैं। जब मेरे साथ थे तो 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने जीती और कांग्रेस 0 रही। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है, उनकी प्रतिमा हमेशा सदैव यहीं रहेगी और हमें प्रेरणा देती रहेगी। इसी प्रेरणा से हम शाहपुर, बुरहानपुर, खंडवा, बागली के विकास के लिए सदैव प्रयत्न करते रहेंगे। आज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हो सके तो नंदू भैया लौट कर आना, आज भी हमें तुम्हारी कमी खलती है। कई बार मुझे लगता है कि मुस्कुराते हुए नंदू भैया आएंगे और फिर किसी कार्यकर्ता का काम बताएंगे या जनता का काम बताएंगे। वो मेरी आंखों में बसे हैं, रोम रोम में रमे हैं। उनके साथ इतने बरस तक काम किया कि हर सांस में नंदू भैया है मेरी, क्योंकि नंदू भैया केवल सांसद नहीं थे, सबसे लंबे समय तक वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे और अध्यक्ष भी ऐसे कि उनके रहते हुए 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, कांग्रेस 0 हो गई थी। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है और उनकी प्रतिमा सदैव हमको प्रेरणा देती रहेगी और उनकी प्रेरणा से हम प्रदेश का विकास भी और शाहपुर, बुरहानपुर, खंडवा, बागली इसके विकास के लिए सदैव प्रयत्न करते रहेंगे। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही खो गए दास्ता कहते कहते, बीच में छोड़कर तुम चले गए नंदू भैया, लेकिन मैं इतनी प्रार्थना करता हूं हो सके नंदू भैया तो फिर लौट के आना, आज भी हमें तुम्हारा इंतजार है।